हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज जो आप लोगों का जो दोस्तों पेपर हुआ है पेपर फर्स्ट, उस पेपर के सोल्यूशन का आप लोग कराने वाले हैं बीपीएससी एग्ज़ाम का। तो पूरा मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताने वाला हूं। जल्दी जल्दी मैं आप लोगों का आंसर बताते चलूँगा, ठीक है? तो आप लोग देखते रहिएगा। इस प्रश्न का जो आप लोगों का ये बी वाला आप लोगों का आंसर हो जाएगा एन। इसका आप हो जाएगा आई कैन नॉट मूव दिस डेस्क, विल यू गिव इट पुश, ये वाला हो जाएगा अपुश हो जाएगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा ब्रिंग द बुक आई गेव यू स्टडी, वो बुक दो जो मैंने कल दिया था, द हो जाएगा। फोर में आप लोगों का एन हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं आप लोगों का सोल्यूशन बता देता हूँ। इसमें बर्ड्स एंड एनिमल्स हो जाएगा, विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का सेवन था, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज कंप्यूटर, टूथ ब्रश हो जाएगा। ये अमांग फॉलोइंग अ लेडी डज नॉट यूज इन किचन, ड्रेयर हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपका विच इज नॉट अलाउ इन एग्जामिनेशन, मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो आप लोगों का हॉस्पिटल में यूज नहीं होता है, टेलीस्कोप हो जाएगा। इसमें ऑथर हो जाएगा, पर्सन राइट अ बुक, ठीक है। इसमें नन ऑफ द एबव होगा, वी मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा इफ़ टुडे इज, ये आप लोगों का जनवरी हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका मोर देन आप महीने जो होते हैं 28-29 भी होता है, 30 भी होता है, 31 भी होता है। डाटर्स ब्रांड डाटर बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका। अगला आप लोगों का हो जाएगा ग्रैंड फादर्स फादर, तो ग्रेट ग्रैंड फादर हो जाएगा। मदर्स फादर मैटरनल ग्रैंड फादर हो जाएगा बी। आंट्स डाटर, आंट्स का डाटर क्या होगा आपका, बहन लगेगी तो नाना आपका एबव हो जाएगा। अगला है देखिए मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रेन, सिस्टर एंड ब्रदर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा द रैन गॉड, लिखा ना हुम डिड द फॉरेस्ट गार्ड प्रे, ठीक है, रैन गार्ड हो जाएगा। अगला है आपका फॉरेस्ट गार्ड वॉज वेरी सैड हो जाएगा। अगला आप लोगों का इन विच सीजन डिड द एनिमल हैव इनफ ईट एंड, आपका मानसून हो जाएगा। अगला है व्हेन द हंटर केम टू द, आपका समर हो जाएगा। हु किल्ड द डियर, आप लोग कौन हो जाएगा, अ हंटर, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का अव्यय नहीं है, आपका जूता हो जाएगा। अव्यय एक संज्ञा है, इसमें आप लोगों का स्वर हो जाएगा, ठीक है। तालब ध्वनियाँ कौन सी हैं, च छ झ और ज झ दोनों होगा, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द, तुम हो जाएगा। इसमें मरुभूमि में कहीं धान नहीं उगता, तो यह स्थानवाचक हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा विशेषता है, तो रूढ़ी का हो जाएगा, रूढ़ी का प्रयोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विभाव किसे कहते हैं, ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। लड़के ने कुत्ते को मारा, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है, तो यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं है, ये आपका हो जाएगा। महाशय में आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने जो कहा था वही सत्य है, ये वाला हो जाएगा। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, आपका पत्र मिला धन्यवाद, ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कृपया करके कार्यक्रम में पधारें, तो ये कृपया कार्यक्रम में पधारें, ये वाला आपका सही हो जाएगा। मुझसे बेफिजुल बात मत करो, बेफिजुल में मुझसे बात मत करो, ये सही हो जाएगा। आगे बिहारी ने सागर में गागर, तो बिहारी ने गागर में सागर भरा है, ये हो जाएगा। बेगम कौन सा शब्द है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। सिनेमा अंग्रेजी का शब्द है, आपका ये वाला सही हो जाएगा। अर्दली
आप लोगों का क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तौलिया एक पुर्तगाली शब्द है, रिक्शा जापानी शब्द होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दुर्जन, तो आपका उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देह, देह में क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। स्त्री, स्त्री में जो आप लोगों का सविता, ये हो जाएगा। बिजली, आभा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मी, तो ये उमा हो जाएगा, उमा मतलब पार्वती होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विज्ञान परीक्षाएं सन निकट है मतलब पास हैं, आप लोगों का ये वाला हो जाएगा। बरसात में सरिता में बाढ़ आ जाती है, ये वाला आप लोगों का सही हो जाएगा। मैं आपस में नितांत परिचित हूँ, तो ये वाला हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अगला, दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएँ, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। वे अभी नव धनाढ्य हुए हैं, इसका भी आप लोगों का उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 56 से 60 में देखिए, इच्छा विलोम पूछा था, तो इच्छा क्या हो जाएगा, अनिच्छा हो जाएगा, ठीक है। उन्मूलन का क्या हो जाएगा, आपका रोपण हो जाएगा। कर्कश का क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। सभी विलोम पूछा, जंगम का क्या हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा। शासक का क्या हो जाएगा, शासित हो जाएगा, ठीक है। शिशु, शिशु का आपका बालक हो जाएगा। युद्ध का हो जाएगा संग्राम, ठीक है। गुमी हुई आज़ादी क्या हो जाएगा, स्वाधीनता, राइट आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जिनको सुन रिपु के दिल टूटे, आपका शत्रु हो जाएगा। सुधा मतलब अमृत हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, देखिए खग, खग का उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। गणेश को एकदंत बोलते हैं, राइट हो जाएगा। काक का हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठग का क्या हो जाएगा, जालसाज हो जाएगा। देह, देह मतलब वपू हो जाएगा, ठीक है। 71 से 75 में क्या था, जिनके आने की तिथि ना हो तो उनको अतिथि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अतिथि। आगे बढ़ते हैं, जो लज्जा से रहित हो उसे निर्लज्ज बोलते हैं। जो सिंहासन का अधिकारी हो उसे क्या बोलते हैं, युवराज बोलते हैं, ठीक है। वर्ष में एक बार होने वाला को वार्षिक। जो स्वेच्छा से सेवा करे, स्वयं सेवक। अंक भरना मतलब स्नेह से लिपटा लेना। आस्तीन का साहब मतलब कपटी मित्र। किस खेत की मूली मतलब अधिकारहीन, ठीक है। घड़ों पानी पड़ना उपयुक्त में से कोई नहीं। नाच नचाना मतलब तंग करना। अनाधिकार आपका हो जाएगा अनाधिकार। पारलौकिक हो जाएगा पारलौकिक, राइट आंसर हो जाएगा आपका। चांद का आपका ये वाला चांद हो जाएगा। सौंदर्यता का सौंदर्य हो जाएगा। प्रसाद का हो जाएगा प्रसाद, बी आपका सही हो जाएगा। उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, काका की मतलब मिश्र वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तुम जाओ और लग गया तो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा यह चित्र। असंगत, असंग मतलब निषेधवाचक हो जाएगा। अरे, अरे आपका क्या हो जाएगा, विस्मयादिबोधक, ठीक है। तुम सदा सुखी रहो, इच्छार्थक हो जाएगा, ठीक है। स्वाधीन, स्वाधीन का क्या हो जाएगा, अधीन हो जाएगा। भू लौवल का हो जाएगा अव्वल, ठीक है। बढ़िया का आपका इया हो जाएगा, ठीक है। झगड़ालू का आलू हो जाएगा। मनौती में औती हो जाएगा। इसमें उपयुक्त शब्द अगर बोलेंगे तो आपका वीर हो जाएगा। पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक वीर हो जाएगा आपका। संकटों को देख करके क्या करते हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, मुस्कुराते हुए करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। वीर जिसे देखकर मुस्कुराते हैं, आपका कठिन पथ हो जाएगा, ठीक है। आपदाएं शब्द का अर्थ क्या है, आपका विपत्ति हो जाएगा। इस तरीके से 100 क्वेश्चनों को मैंने फटाफट आप लोगों को
10 मिनट के अंदर आप लोगों का पूरा कराने का प्रयास किया है। ठीक है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, शुरू से आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।